बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमें तो सरकारी फरमान ने लूटा, कोरोना में कहां दम था। कश्मीर में कोरोना तब उभरा जब ट्यूलिप गार्डन में फेस्टिवल था। नाजरीन, कश्मीर में एक दफा फिर से कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लगना शुरू हो गया, जिसमें लोगों की कोई गलती नहीं। कश्मीर में एक दफा फिर से दुकानें हफ्ते में एक दिन बंद रहती हैं, एक दिन खुलती हैं, और उसमें दुकानदारों का कोई कसूर नहीं। कश्मीर में स्कूल बंद हैं, होटल चल रहे हैं, और उसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं। ये सारा मामला जो कश्मीर में हुआ है, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह, जैसे पूरे मुल्क में इस वक्त क्राइसिस मची है कोरोना की वजह से। लोग ऑक्सीजन की खातिर, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्राइसिस है कोरोना की वजह से, वो हमारे मुल्क में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा आज तक का कोरोना का हाईएस्ट स्पाइक रहा है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है। अमवात इस वजह से हो रही है कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इस दौरान कश्मीर इस बहरान में कैसे फंसा? कश्मीर में इस बहरान के फंसने की वजह आम इंसान या एसओपीज को एडहेयर करना नहीं है। कश्मीर में वजह रही कि लोगों ने सरकार का कहना माना कि आप लोग जब कोरोना का स्पाइक हो रहा था, आप उस वक्त बादामवाड़ी में जाओ, आप उस वक्त ट्यूलिप गार्डन जाओ, आप गुलमर्ग जाओ, आप पहलगाम फेस्टिवल में जाओ, आप ए फेस्टिवल में जाओ, आप बी फेस्टिवल में जाओ। हंड्रेड्स ऑफ फेस्टिवल सरकार करती रही, जबकि अभी कोरोना की सेकेंड वेव आई थी और पहली वेव खत्म नहीं हुई थी। ये सारा मामला क्यों हुआ? कश्मीर में इतना ज्यादा टूरिज्म का, ये टूरिज्म 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 हर तरफ क्यों हुआ पिछले 5-8 महीने में? क्योंकि जब से आर्टिकल 370 जो है, जब से आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को हटा, तब से अभी तक कश्मीर में कोई जो वादे किए थे भाजपा ने, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। वादा किया गया था तरक्की होगी, आप सड़कों का हाल देखिए, तरक्की ऐसी है कि अब रमजान में सहरी और इफ्तार का हमें पावर के जाने से पता चलता है। एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, हाँ सिर्फ सरकार ने फेस्टिवल किए, नाच और गाना फेस्टिवल, और उसकी वजह से आज हम इस मुसीबत में फंसे और टूरिज्म को इसमें यूज किया गया। देखिए, टूरिज्म कश्मीर का एक हिस्सा रहा है, कश्मीर की एक जरूरत रही है, लेकिन टूरिज्म सब कुछ नहीं है कश्मीर के लिए। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में कि कश्मीर की इकोनॉमी शायद टूरिज्म पे चलती है। कश्मीर शायद मुश्किल से 5% के करीब कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कश्मीर में टूरिज्म 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 की राह क्यों अलापी जाती है? कुछ 5-8 बिजनेस फैमिलीज हैं कश्मीर की जो होटल का बिजनेस चलाती हैं। उनके होटल श्रीनगर में भी हैं, गुलमर्ग में भी हैं, पहलगाम में भी हैं, सोनमर्ग में भी हैं। ये जो फैमिलीज हैं, इनके मुतालिक एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके होटल कहीं पे भी अपनी मिल्कियती जमीन पे नहीं है, सरकारी जमीन पे इनके होटल हैं। सरकार से इन्होंने लोन लिया हुआ है 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़, कुछ होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन के शायद उनका 2000 करोड़ का भी लोन है। जमीन सरकार की, लोन सरकार का जो वो देते नहीं, और उस पर जो वो बिजनेस करते हैं, जिस होटल के कमरे का किराया 4000 होना चाहिए, वो उसका 40000 लेते हैं। क्योंकि पिछले 70 साल में ये जो कुछ फैमिलीज है होटल इंडस्ट्री की, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया यहाँ पर कि इन्होंने हर वक्त की सरकार के साथ अपनी बड़ी कॉर्डियल रिलेशंस रखी। ऐसी कॉर्डियल रिलेशंस रखी कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी तो इनके होटल्स में सब तस्वीरें डॉक्टर फारूक साहब की थी, जब उमर अब्दुल्ला साहब थे तो उनकी थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा थी तो उनकी थी, आज मनोज सिन्हा साहब के साथ इन सब होटेलियर्स की तस्वीरें हर जगह। और ये सिर्फ लगातार आते हैं जब हालात लोगों की जिंदगी पे खतरा था कि नहीं जी टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म। और हम किस बहरान की तरफ कश्मीर इस वक्त जा रहा है, इसी मौजू पर बात करने के लिए कि टूरिज्म कश्मीर के लिए क्या, टूरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसी मौजू पर बात करने की और सरकार की क्या क्या कोताहियां रही इस वक्त, इसी पर बात करने के लिए आज की डिबेट में जिन शख्सियतों को हमने इसमें आज इनवाइट किया है उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ जाने माने नॉर्थ कश्मीर की वॉइस एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब है, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इस वक्त कोविड में जो बहुत ही काम कर रही हैं, ऑनलाइन एक्टिविज्म दिखा रही हैं इसमें लोगों को हेल्प करने का, इफ्रा जान, डॉक्टर हरबंग सिंह जी जो डॉक्टर भी हैं और पीडीपी लीडर भी हैं। और इंटरेस्टिंगली आज हमने इस डिबेट में एक कंप्यूटर इंजीनियर को भी बुलाया है, महराज गुलजार साहब, जो कि पेशे से बिजनेसमैन है लेकिन क्वालिफिकेशन से कंप्यूटर इंजीनियर है। नाज़रीन, इस डिबेट में मैं आपको आगे बात ले जाने से पहले, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि टूरिज्म और नाच गाना, आप देखें हमारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में ऐसी बुरी हालत बनी है कि जिस वक्त पूरे मुल्क में लोग मर रहे हैं
ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, एक किस्म का एक तो हर तरफ तबाही मची है। हमारे सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कल शाम को एक हैंडआउट इजरा किया है जिसमें लिखा है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होस्ट कल्चरल फेस्टिवल। जब मुल्क में हर तरफ कब्रें खोदी जा रही हैं, चिताएं जल रही हैं, क्या वो कल्चरल फेस्टिवल करने का टाइम है? क्या ये सरकार ऐसे चलाई जाती है? वो मिसाल है ना कि व्हेन द रोम वाज बर्निंग, अब मैं पूरा नहीं कहना चाहता, वो हमारे कश्मीर में हाल है। इस मौजू पे बात करने के लिए जिस मकसद से हमने मेराज गुलजार साहब को इसमें बुलाया है वो ये है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने एक रिसर्च बनाई है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में मुल्क में और भी ज्यादा बोहरान हो सकता है कोरोना की वजह से। एक ऐसी क्राइसिस हो सकती है जो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारा कहना झूठ करे, कि एक बहुत ही ज्यादा तबाही हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बहुत ही बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। उस पर जो वो जो साइंटिफिक स्टडी है वो मुल्क भर के लिए है। उस साइंटिफिक स्टडी को कश्मीर के लिए स्टिमुलेट किया है महराज गुलजार साहब ने। इन्होंने एल्गोरिदम्स यूज करके, अर्थमेटिक लॉजिक्स एंड टेक्निक्स यूज करके, अपना मतलब जो इनका क्वालिफिकेशन है उसको यूज करके, उस स्किल्स को यूज करके इनने उस नेशन वाइड स्टडी को कश्मीर के लिए सिमुलेट किया है। तो हम महराज गुलजार साहब से ही शुरू करेंगे और महराज गुलजार साहब से पूछेंगे कि वो जो स्टडी है वो क्या है और कश्मीर पे आप उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं जो आपने सिमुलेट इसको किया है थ्रू एल्गोरिथम्स फॉर कश्मीर। जी महराज गुलजार साहब। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पेशे से तो आई एम ए बिजनेसमैन, लेकिन टुडे दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब मैं बिजनेस ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं करूंगा। आई विल ओनली फोकस ऑन COVID-19 सिचुएशन दैट इज गोइंग टू कम इन आर वे इन जम्मू एंड कश्मीर शॉर्टली। मैंने दो मॉडल स्टडी की। वन मॉडल हैज बीन created by these are mathematical models. One model has been done by Dr. Brahma Mukherjee. She is a US-based bioscientist working as a leading epidemiologist in the University of Michigan. तो और दूसरा एक और स्टडी जो मैंने एनालाइज किया है दैट इज बीइंग डन बाय जी That is being done by Institute for Health Metrics and Evaluation, USA. Based on these two studies, जो इनकी projections है regarding जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो इन्होंने पूरे इंडिया का projections draw किए हैं, on basis of which Dr. Mukherjee projects that India is going to see a daily cases of 8 to 10 lakhs per day, which is going to be the peak time, and the daily number of deaths in India are predicted by her to be 4,500 per day. And in the same study, Dr. Mukherjee quote करती है that there are lot of unreported cases जिनको उन्होंने बाय फैक्टर ऑफ 10 to 20 डिनोट किया है। दैट मींस इन केस इंडिया इज रिपोर्टिंग 3 लाख केसेस इन अ डे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 लाख बाय 10, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 लाख केसेस एक्चुअली दिन में आते होंगे इंडिया में, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ सिम्टोमेटिक एंड अनडिटेक्टेड केसेस। सो बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द डेटा ऑफ बोथ द स्टडीज, आई एम गोइंग टू हाईलाइट सम की पॉइंटर्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। जो मॉडल वन है, जो डॉक्टर मुखर्जी ने मॉडल बनाया है, उसके मुताबिक वी विल बी हैविंग अ केस लोड ऑफ अराउंड 4,30,000 केसेस बाय 23rd of May 2021, जबकि अगर हम देखेंगे 24th of April को हमारे अप्रोक्सीमेटली 1,56,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे। दिस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज टू 4,30,000, दैट मीन्स 350% हाइक इन द केसेस अप टू 23rd of May। अगर हम इस चीज को ब्रेकअप करेंगे तो उस हिसाब से हमें पता चलता है बाय 1st of May जम्मू एंड कश्मीर विल बी रिपोर्टिंग 4,000 डेली केसेस।
around 7th of May, DNK will be reporting 6,300 daily cases. And accordingly, 15 May ko 11,800, and by end of May, we'll be reporting 13,000 to 15,000 daily cases. And jo dusri study hai IHME ki, that is more horrifying. Jisse hame pata chalta hai, total deaths in J&K by 31st of July are going to be between 9,000 to 12,000 persons. Are failed to be. Jo daily study hai, apprehend kiya ja raha hai. Ji. Sorry? Ye study mein apprehend ki ja rahi hai. These are the projections. Okay, we could call them the apprehensions. Allah kare ke sab jhoot sabit ho. We can... I will come to that also. Daily deaths around 122 persons. The peak is going to be 24th of July. Kehne ke ye matlab hai that we are seeing horrifying pictures, horrifying projections by these two groups of scientists. In case we don't act now, both our society as well as our government, if they don't act now, we may be seeing khuda na khasta, we may be on for a big catastrophe. Jo humne imagine nahi ki hai, keeping our health infrastructure in view. Aap dekho Delhi mein kya ho raha hai is time. I'm really, really very apprehensive regarding what we may see in coming days regarding Jammu and Kashmir. यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन्स खुले हैं थे, यहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग्स चल रही है, पीपल आर नॉट फॉलोइंग सोशल दिस कोविड एसओपीज, आर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन शैम्बल्स. सो आई वुड रियली आपके पास फिर से आएंगे इस चीज पे बात करने के लिए. अब यही चीज मैं सबसे पहले इफ्रा जान के पास लेना चाहता हूँ. इफ्रा जान, टूरिज्म के नाम पे टूरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. आप लोगों ने, आपके होटेलियर्स ने, कुछ गिने चुने होटेलियर्स जो हमेशा सरकार के, हर सरकार के साथ रहे इन द गुड बुक्स, क्योंकि उनके अपने मामलात हैं, उनके अपने बैंक लोन्स हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, उनने हॉस्टेज ले लिया इंसानी जानों को इस दफा. कुछ आप इस दफा उनकी तरफ से कुछ माफी मांगेंगी कि टूरिज्म के नाम पे इस दफा कश्मीरी कौम को यर्गमाल बना दिया और जानलेवा बीमारी की? देखिए माजिद साहब, जब हमको कोई पकड़ने को नहीं मिलता ना, हम लोग एक दूसरे को ही खा लेते हैं. हम लोग जिसको कहते हैं अजरवुन या मजवनांच. मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब सरकार ने साफ साफ बोला कि हम ट्यूलिप फेस्टिवल कर रहे हैं, तो क्या ये उन सरकारी होटलों ने कहा था कि टूरिस्ट फेस्टिवल करते हैं? जब सरकार ने बोला कि हम वो SKICC में जब वो फैशन इवेंट करा रहे थे, क्लोज्ड स्पेस में इवेंट हो रहा था, तो क्या ये होटल वाला इवेंट करा रहा था? अगर लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं होटल वाले जो है ये सरकार को पीछे से धक्का मार रहे हैं और होटल वालों की जो है वो प्रेशर सरकार पे क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास जो एक सरकार है वो कहीं ना कहीं रिश्वतखोर सरकार है? इसको होटल वालों ने आज रिश्वत दे दी, कल को आप रिश्वत देंगे, आप काम करवाएंगे, कल को कोई और ग्रुप रिश्वत देगा, आप काम कराएंगे. क्योंकि मैं ये बार बार बोलते बोलते थक गई, इस सरकार को हम हटा नहीं सकते हैं, और चूंकि हम इस सरकार को हटा नहीं सकते हैं, ये वही करेगी जिससे इस सरकार को अपना फायदा होगा, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है. एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर हमारे पास होती, वो सबसे पहले जब ये सरकार ट्यूलिप फेस्टिवल कर रही थी, वो ऑक्सीजन का डेटा बना रही होती कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, कितने और प्लांट लाने हैं, केसेस क्यों उड़ रहे हैं. लेकिन क्योंकि ये सरकार को पता है इनका कुछ बाल भी बाका नहीं हो सकता है, ये जो है ये मेनलैंड इंडिया के लिए नया PR, नया कश्मीर का तमाशा कर रहे थे. तो इसमें अब हम एक दूसरे को खाना शुरू करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला. अभी हमको देखना है कि आगे की सिचुएशन क्या होगी. देखिए, आज सरकार का अपना, इनका जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उनकी नोटिस आई है कि जो हमारे टीचर्स हैं, इनको 100% अटेंडेंस स्कूल्स में होनी चाहिए. स्कूल जो होता है ये स्टाफ रूम में क्लोज्ड रूम होता है. जब यही लोग टीचर्स को क्लोज्ड रूम में रखेंगे तो टीचर्स को कोरोना फैलेगा. पर टीचर्स को आप तनख्वाह देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान तो की बाजी तो नहीं लगाई है ना उस तनख्वाह पे. मुझे समझ नहीं आता टीचर्स यूनियन कहाँ है,
क्या टीचर्स यूनियन को टीचर्स को मारने के लिए भी इन्हीं होटल वालों की जिम्मेदारी है? आप एलजी की सरकार को कब बोलेंगे माजू जी? आप कब इनसे सवाल करेंगे? आज यही सरकार जो है, जब ये ऑक्सीजन का डेटा नहीं देती, हॉस्पिटल्स का डेटा नहीं देती, इनके पास कोई तैयारी नहीं है, इन्होंने अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर दिया है नया कश्मीर का पीआर तमाशा करने में, और आज जब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हम बोल रहे हैं बताइए हम क्या करें, ये हमको लॉकडाउन लगा देते हैं। अब लॉकडाउन जो होता है वो किसके पेट पे आता है? वो गरीब का पेट काट के आप लॉकडाउन लगाते हैं। आप और मैं, लॉकडाउन जो होता है ये आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, हरबख्श सिंह के लिए अलग है, इरफान हाफिज लोन साहब के लिए अलग है, क्योंकि एक गरीब मजदूर जो है उसकी दिन में शाम को रोटी नहीं मिल सकती है। जो हमारे रेड़ी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं वो किधर जाएंगे? जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो हमारे डेली वेज लेबरर्स हैं, जो एक एक दिन को खाते हैं और शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो जब सरकार की जो ये सारी नाकामियां जमा 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 हो जाती हैं, ये गरीब का पेट काट के दिखाती है, देखो जी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इस सरकार को अभी भी कुछ करना है तो खुदारा आप अपना एसओपीज का जो डेटा है वो ठीक कर लीजिए। आप एसओपीज के डेटा में आपने वेंटिलेशन के बारे में नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा कि कोरोना जो है वो सुपर स्प्रेड होता है बंद कमरों में। आप अभी भी ऑफिशियल मीटिंग्स जो है अंदर अंदर ऑफिसेस में बंद कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ये ऑफिशियल मीटिंग्स बाहर गार्डन में ले जाते हैं? क्या आप बड़े ऑफिसर से छोटे ऑफिसर हो जाएंगे अगर आप बाहर गार्डन में एक मीटिंग करेंगे? आप क्यों नहीं अभी हमको बोलते कि पॉवर्टी डेथ जो है हमारे पास एग्जैक्ट डेटा क्या है? आप डेटा छुपा रहे हैं। आपने वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की, वैक्सीनेशन में कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। इन्होंने लाखों डोजेस का ऑर्डर कर लिया था कोवैक्सीन का, और उन्होंने अभी कोवैक्सीन का डेटा ही नहीं देखा था। तो आप लोगों को क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप जाके कोविशील्ड करवाइए अस्पतालों में, हमारे पास अभी डेटा नहीं कोविशील्ड का है, उसको कराइए। आप वो भी नहीं करा रहे हैं। आप देखिए मास्क के लिए जो है आपको आज सड़क पे कोई नहीं बोलता, लोग सड़कों पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई है ही नहीं बोलने के लिए कि भाई मास्क लगा लो। आपको लोगों को डंडा नहीं मारना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लोगों के साथ जाती नहीं करनी है, लेकिन कोई तो एक मोहल्ले में एक सड़क पे होना चाहिए कि भाई मास्क लगा लीजिए आप प्लीज, थोड़ा सा आपको फाइन हो जाएगा। कोई भी हम लोग देख रहे हैं कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। और अब क्या हो रहा है, अब यही दो चार ग्रुप्स हम सभी सामने आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब तक सरकार जो है वो स्टेप इन नहीं करेगी, वो ये नहीं समझेगी कि अगर हमने आपको इलेक्ट नहीं किया है फिर भी आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इस स्टेट के लोगों के प्रति बनती है, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। आप होटल वालों को गाली मार दीजिए, आप गरीबों को गाली मार दीजिए, आप अमीरों को गाली मार दीजिए, सरकार को आगे आना पड़ेगा। जी इफ्रा, यही बात मैं इरफान हफीज लोन साहब के पास ले जाऊंगा। इरफान हफीज लोन साहब, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, एक चीज अच्छी जो सरकार ने हाल ही में की, वो कल अनाउंस किया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि जम्मू कश्मीर में हर सिटीजन का जो ये वैक्सीनेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, किसी ने पैसा नहीं देना है। जो चीज अप्रिशिएबल है वो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बाकी मामलात में जैसे इफ्रा ने कहा कि बहुत सही कहा कि हर तरफ सिर्फ ये नए कश्मीर का जो इवेंट मैनेजमेंट चल रही है, हर तरफ शोज चल रहे हैं, कहीं जो बेसिक डेटा राइट टू इंफॉर्मेशन जो है हर इंसान को है, और कोविड क्राइसिस के टाइम में हमें नहीं पता है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर में टोटल ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी है, टोटल बेड कैपेसिटी कितनी है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई सरकार इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। वो एक वो कहते हैं ना वो इलॉजिकल तरीके के बेवकूफाना हैंडआउट्स रिलीज किए जाते हैं। इरफान साहब आप बताइए लीगल पर्सपेक्टिव से, क्या ये गवर्नमेंट सही चल रही है कि इट शुड बी ड्रैग टू द कोर्ट ऑफ लॉ कि दिस गवर्नमेंट इज फेलिंग, ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जानों को उनकी जानों को नहीं बचा पा रही है, ये सरकार लोगों को मुसीबत में डाल रही है, क्या नया कश्मीर लोगों को मुसीबत में डालने का, और लीगल पर्सपेक्टिव क्या होगा इस पे? देखिए माजिद साहब, जहां तक आप सारे लोग जानते हैं कि जो ये एपिडेमिक एक्ट है, इसमें सरकार के पास ताकत है कि जब एट द टाइम ऑफ एनी डेंजरस एपिडेमिक डिजीज जब हो, वो ऐसे डिसीजंस ले सकती है, उनके पास पावर है इसके रोकने के लिए, वो कहीं निर्णय ले सकती है, जैसे इम्पोज कर्फ्यू कर सकती है, जो प्राइवेट इदारे है उनको एक्वायर कर सकती है, इस चीज को डिफीट करने के लिए, फाइट करने के लिए डिजीज को।
ये बिल्कुल आप देखिए कानून है, एक्ट है इसमें तो। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर उसके साथ साथ जो कानूनी बात आपने कही, हमारा जो पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड, उसमें 269 प्रोविजन है, वो ये कहता है negligently doing any act known to be likely to spread infection of any disease dangerous to life, फिर 270 negligently doing any act known to be likely to spread infection of any disease dangerous to life, ये criminal offense बनता है। लेकिन माजिद साहब आप देखिए कि यहां पर आपने जो जिक्र किया tulip garden, आपने देखा बादामवाड़ी, और हद तो ये है, मैंने खुद देखा हाल ही में जब ये पीक पे था कोरोना, किसान मेला यहाँ बारामूला में हुआ, हजारों में लोग जमा हो गए, कोई उसकी जरूरत नहीं थी, और हजारों में लोग जमा हो गए वहां पर, और बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल फॉलो, एसओपी फॉलो नहीं हुआ। और इस हालात में मैं यही कहूंगा कि ये जो मैंने दो प्रोविजन आपको कहे इंडियन पेनल कोड के कि negligently doing any act known to be likely to spread infection of any disease dangerous to life, मुझे लगता है ये जुर्म है जो है ये सरकार के खिलाफ मेड आउट होते हैं, सरकार के खिलाफ ये जुर्म बनते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे चाहे गुलमर्ग हो, चाहे ट्यूलिप गार्डन हो, चाहे बादामवाड़ी हो, चाहे किसान मेला हो, चाहे ब्लॉक दिवस हो, हर जगह पर ब्लॉक दिवस मनाए गए, और जहां पर आपने देखा कैसे इस डिजीज को स्प्रेड होने दिया। और ऐसे हालात में मैं यही कहूंगा कि आप देखिए जो इफ्रा जी ने भी सही बताया, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस भी अंडरस्टैंड कर सकता कि उसमें लॉजिक ही नहीं है। जब स्कूल्स को बंद आप करते हैं और उसके बाद आप असातिज़ा जो है उनको बोलते हैं कि आप 100% अटेंडेंस करिए, वहां जाइए, जबकि आप घर से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या रीजन है इनके पास? जब हजारों में यही टीचर्स ट्रेवल करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, क्लोज रूम में बैठते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या लॉजिक है इसमें, क्या रीजन है इसमें? तो एक तो एक ये तो एक रेडिकुलस, मैं मुकम्मल कर रही हूँ, रेडिकुलस डिसीजन है। इसी तरीके से सरकार जो है, जो लॉकडाउन का पर्पज एक ये भी होता है जो हम सब जानते हैं कि इनके पास एक रीजनेबल टाइम मिले जिसमें ऑक्सीजन की, जिसमें ये बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करे। हॉस्पिटल्स का जो आपने सही फरमाया, ऑक्सीजन वेंटिलेटर क्या डाटा है, कोई तैयारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें अल्लाह के हाल पे इन्होंने छोड़ दिया है, और सिर्फ आई वॉश के लिए ये जो ये लॉकडाउन इन्होंने किया। मैं मानता हूं कि अगर ये जरूरत है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि लॉकडाउन एक रास्ता है इसको आगे रोकने के लिए, जैसे महाराज साहब ने अभी हमें डिटेल्स दी, उससे तो बहुत डर लगता है, हम उम्मीद करते दुआ करते ऐसा ना हो, लेकिन हमारी ओर से मुझे लगता है कि प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस में अभी इनेविटेबल है कि लॉकडाउन होना चाहिए एक रीजनेबल पीरियड के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि जो इससे पहले सरकार पे के पास काफी टाइम था इस सिचुएशन को रोकने के लिए, और मुझे लगता है जिस तरीके से कोरोना यहाँ बढ़ा है, इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट इंतजामिया है, दैट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। जी इरफान साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, इफ्रा ने भी पॉइंट आउट किया कि टीचर्स को कहा गया कि कल से आप अपने स्टाफ रूम में आके बैठोगे, क्या ये और माजिद साहब देखिए ना, नाइट कर्फ्यू जैसे हम वो डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में रात को बहुत लोगों की गहमा गहमी रहती है, वहां पर तो वो सोते नहीं है रात को, वो कहते कि वो ऐसे भी शहर है जो दे नेवर स्लीप, तो उधर के लिए ये लॉकडाउन होता है रात को रोक देते हैं, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक था इनको नाइट कर्फ्यू लगाए? बस आई वॉश, एक ड्रामाबाजी। नहीं इरफान साहब, क्या ये मतलब लोगों को, क्या ये सरकारी मुलाजिमों को गुलाम के तौर पे देख रहे हैं? आर दे ट्रीटिंग पब्लिक सर्वेंट्स एज स्लेव्स? क्योंकि हमने हाल ही में देखा ये तो आप एरोगेंस देखे ना सरकार की, अब तो वो आप देख रहे कैसे ये कानून का मिसयूज कर रहे हैं कि भाई अब जो एम्प्लॉयज के खिलाफ एक कमेटी बनाई जाएगी, सरकार के ही लोग उनके होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ही लोग उनके होंगे, और उनको नौकरी से निकाल देंगे विदाउट अफोर्डिंग देम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एरोगेंस है सरकार की। जी इरफान साहब, आपसे रिक्वेस्ट होगी थोड़ा सा आप इस वाद से, फ्लावर वाद से थोड़ा आप दूर हट जाए, थोड़ा सा दूसरे साइड मूव कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आपका फोकस थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इस साइड आप चलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और, थोड़ा सा जस्ट बस, ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर।
डॉक्टर हरबर सिंह साहब, आप क्वालिफिकेशन से मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप डीडीसी मेंबर भी हैं, आपको लगता है सबसे पहले कि कोरोना का खतरा था पिछले महीनों में जब टूरिज्म वगैरह चल रहा था? मैं छोटा सा सवाल, पहले लंबे सवाल से पहले छोटा सवाल पूछूंगा, क्या आपको लग रहा था खतरा है? वाजिद साहब, खतरा बहुत पहले था और हमने हालत देखी थी। नहीं, अब मैं सवाल करता हूं आपसे, आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी अभी दो तीन साल पहले तक हुकूमत थी, क्या आपने कभी ये सोचा कि मैं अपनी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को, पीडीपी प्रेसिडेंट को ये कहूं कि मैडम आप जरा सरकार को ऐसा ट्वीट कीजिए कि यहाँ इस वक्त टूरिज्म नहीं चाहिए? क्या आपने कभी कहने की कोशिश की? महबूबा मुफ्ती साहिबा तो नंदीग्राम पे ट्वीट करती हैं, वो कर्नाटका पे ट्वीट करती हैं, वो शायद युगांडा पे भी ट्वीट करेंगी, लेकिन इस चीज पर आपकी पार्टी ने क्यों चुप्पी धारी? क्योंकि आप भी जब आपकी जब सत्ता थी तब आप लोग भी इन्हीं होटेलियर्स के साथ मिल करके यहाँ पे हालात खराब को ठीक दिखाने के लिए यहाँ पे आप लोग उस टाइम फेस्टिवल करते थे। आपकी पार्टी ने क्या किया इस वक्त, आप मुझे बताइए, और आपने क्या किया बतौर हेल्थ एक्सपर्ट? मौजूद साहब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब कोरोना की बात उठी तो एक बहुत बड़ी इवेंट गुलमर्ग में हुई, और जो गुलमर्ग में इवेंट हुई तो उस पे सबसे पहले डिबेट में सबसे पहले मैंने अपोज किया कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन शुरू हो गया और 1100 लोगों की गैदरिंग गुलमर्ग में हुई, टंगमर्ग में लोगों में ठहराया गया। आपने भी उस दिन ट्वीट किया, आपने भी बात उठाई। देखो आप, ये पहले जब कोरोना शुरू हुआ उससे पहले टूरिज्म की बात करना और उसके बाद बात करना, ये दो डिफरेंट टॉपिक बनते हैं। देखो मैं, जैसे इफ्रा ने कहा कि अगर हम इल्जामबाजी में जाएंगे तो फिर क्या है कि गरेबा में जाग के सारे नंगे हो जाएंगे, ठीक है? तो इस वक्त जो सिचुएशन है जिसपे डिबेट करना चाहिए, दो चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा, इफ्रा जी को भी और इरफान साहब को भी, कि जो टीचरों की बात जैसे उठाई इन्होंने, बड़ी वैलिड बात उठाई। और इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, मुझे बाकी जगह का नहीं पता, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में टीचरों को घर से घर लोगों को मोटिवेट करने के लिए भेजा, आप लोग कोविड का इंजेक्शन कीजिए, ये नई ट्रेंड है। टीचरों के भी बच्चे हैं, टीचर भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको हर घर में जाना है। और आज भी मैं देख रहा था कि डीसी साहब बड़गाम जो है उन्होंने निकाला है, ये सर्वे इज गोइंग ऑन, आज कर्फ्यू है, जो मर्जी है टीचर को सर्वे के लिए जाना है। तो ये जो एरोगेंस है सरकार की, वक्त की सरकार की, इसके बारे में हम सबको मिलकर बात करनी पड़ेगी। इरफान साहब ने जो अभी लीगल टीज दी, मैंने एज डॉक्टर पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल एपिडेमियोलॉजी में ये चीजें हैं, इन्होंने सही बात कही। अब दो चीजें हैं, एक है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक है रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। अब हमारी सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, और अगर आप कोई बात करना चाहता है, या तो उसको पीएसए लगा देंगे, उसको बोलेंगे आपका कनेक्शन जी पाकिस्तान से है, आपको जी फंड्स आ रहे हैं। और अगर कोई मुलाजिम बोलना चाहेगा उसको कहते हैं आप तो देशद्रोही हो, आपकी तो बात ही नहीं सुनी जाएगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये जो अंडे के जोर पे जबरदस्ती, मैं इसको आज वो एक जो मुगल सल्तनत में औरंगजेब के वक्त में वो जबरिया चीजें होती थी, मैं मॉडर्न एरा के औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो हो रहा है। कोविड वैक्सीन की आपने बात की, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन मैंने आपको परसों भी लिंक भेजा, आप इस पे बात कीजिए कि बिना वैक्सीन किए सर्टिफिकेटें मिल रही हैं, मुझे मिली, मैंने इनको 4 दिन से पूरे नेशनल मीडिया में और लोकल मीडिया में आ रहा है, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे, और उल्टा मुझे आज फोन आ रहा है पुलवामा से, डॉक्टर साहब आपका ना पिछली बार कुछ हमें गलत हो गया था, तो आप आज आइए, आज आपकी डेट है, आपको पहला वैक्सीन करना है, और मेरे को सर्टिफिकेट मिल चुकी है, मैंने वैक्सीन किया है, और नया वैक्सीन कब करना है मैं आपको वो भेजूंगा सर्टिफिकेट। ये जो सारा फ्रॉड है, दिस वैक्सीनेशन इज अ फ्रॉड, इन्होंने खरीदा हुआ है कंपनियों से, ये नाली में फेंके, उधर फेंके, जहां मर्जी फेंके। आप सारी बातें कर रहे हैं वैक्सीन की, टीचर्स की, वगैरह वगैरह, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपने कभी अपनी पार्टी प्रेसिडेंट को बताया कि आप इस बारे में भी ट्वीट कीजिए? हम हमारी गवर्नमेंट थी तब कोविड नहीं था, तब कोई वबाई बीमारी नहीं थी। बात कर रहा हूँ अभी, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा नंदीग्राम पे ट्वीट करती है, उन्होंने टूरिज्म पे ट्वीट क्यों नहीं किया? मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, हमारे बाकी स्पोक्स पर्सन है, हमने कंडेम किया, जो ट्यूलिप का फेस्टिवल हुआ उसमें हमने बोला
हमारे पार्टी के किस बंदे ने नहीं बोला, मैडम ने ट्वीट किया उस पे, हमारी बात को सीरियसली जा रहा है, हमारी बात को नहीं माना जा रहा है, क्योंकि हमें आज देशद्रोही कहा जा रहा है हमारे ट्वीट करने से ना करने से। ये हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सिटीजन, मैं पार्टी लेवल की बात नहीं करूंगा, जैसे अभी इफ्रा जी ने कहा कि किसी को खड़ा रहना चाहिए, मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा आपको मास्क के बगैर कहीं मिलता है, गवर्नमेंट को, म्युनिसिपैलिटी को, पुलिस को, उसको फाइन नहीं करना है, उसको जेल नहीं डालना है, उसको दिन में कहना है जी आप जी 500 मास्क खरीदो और दिन में जो भी यहां से चल रहा है बिना मास्क के उसको बांटो। देखो हमने अवेयरनेस करनी है। आप तो पता नहीं कि हाइपोथेटिकल से, इफ्रा आप कुछ वापस कहना चाह रही थी। जी पहले तो माजिद साहब आपको शायद याद होगा जिस दिन ट्यूलिप गार्डन को, जिस दिन स्कूल्स को बंद किया गया था, उस दिन महबूबा मुफ्ती का एक साफ साफ ट्वीट आया था कि जब आपने ट्यूलिप गार्डन को खुला रखा है आपने स्कूल्स को बंद क्यों किया है। लेकिन अगर उन्होंने और अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर इन्होंने ट्वीट ना भी किया होता तब भी इनसे आपको सवाल पूछने की जवाबियत नहीं थी, क्योंकि अक्सर हमारे देश में परेशानी ये हो गई है कि लोग जो है ऑपोजिशन से सवाल करते हैं। भाई ये लोग तो आज कब से सरकार में है ही नहीं, क्या महबूबा मुफ्ती जी के या उमर अब्दुल्ला साहब के ट्वीट करने से, क्या अगर वो ट्वीट करेंगे कि इसको बंद कर दीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार मान जाएगी? ये ऐसी बात है, जब हम टाइम्स पे जाते हैं या किसी चैनल पे जाते हैं वहां तो बोलते हैं इफ्रा जान आप टेररिज्म को कंडेम कर दीजिए। भाई क्या मेरे टेररिज्म को कंडेम करने से रियाज नाई को गन छोड़ देगा? आप ना गोली इस तरफ चला रहे हैं, निशाना आप इस तरफ चला रहे हैं, लेकिन जो जिसको आपको मारना है वो उस तरफ है, आप कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में सवाल कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी के या उमर अब्दुल्ला साहब के ट्वीट करने से कुछ नहीं हुआ, वो ऑपोजिशन में है, सरकार जो है उससे सवाल कीजिए। जी आपको मैं याद दिला देती हूँ माजिद जी, कि सरकार से वो पूछे, सरकार को जवाब दे बनाए, वो दूसरी बात है, फिर सरकार उनकी सुने या ना सुने। लेकिन जो मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, पीडीपी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकार शायद से पूछे, अगर आप उनका ट्विटर फॉलो करेंगे इरफान हाफिज लोन साहब, आपको पता चलेगा कि वो आज सवालों पे सवाल कब से कर रहे हैं। शायद इसी वजह से वो जेलों में भी बंद हो गए, उनके भी बच्चे थे जब एक एक साल उन्होंने जेल में गुजारा, इसी वजह से कि सरकार जो थी उनके जेलों सवालों से डर गई। आप माजिद साहब एक लास्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, डिफेंड करते रहिएगा आप इनको, घंटा डिफेंड कीजिएगा। आप तो एलजी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आपको याद नहीं? देखिए आपको बिला वजह का मतलब हम डिबेट में आके जिद होती है कि मुझे माजिद को कॉर्नर करना है, इरफान साहब को कॉर्नर करना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं है, यही कहा ना आपने? बिल्कुल नहीं है, मुफ्ती साहिबा हुकूमत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कश्मीर में तीनों मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, मुझे एक मेंबर पार्लियामेंट का बयान दिखाइए इसमें कि उनने कोविड और ट्यूलिप फेस्टिवल पे बात की हो, कहां है आपके मेंबर पार्लियामेंट? अब आप मुझे बताइए, ये जो है डॉक्टर हरभक्त सिंह जी जो माजिद साहब गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्या किया इनने? आप इनके ट्वीट पढ़िए, आप क्या कर रहे हैं यार, आप इनके ट्वीट पढ़िए, जब से डिबेट में आए हैं तब से ट्यूलिप फेस्टिवल के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं खुद सुन रही हूँ। आप लेके टाइम्स नाउ की तरफ से एक ये बना रहे, एक सेकेंड माजिद साहब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिस दिन आप एलजी साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे एक आपके डिबेट में, आप कह रहे थे इतने बड़े ये है वो है इतना काम किया है, आपको पता है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसी दिन ट्यूलिप फेस्टिवल में संजय रैना जी के फूड फेस्टिवल में गए थे, जहां एक टेंट में सारी इतनी भीड़ जमा हो गई थी और वो भी कुछ खाना खा रहे थे। आपको मैं सभी लोगों के सामने चैलेंज करती हूँ, आप बोलिए कि एलजी साहब आपने वहां ट्यूलिप फेस्टिवल में जाके लोगों को एनकरेज करके जब केसेस बढ़ रहे थे आपने गलत किया, बोलिए। चलिए माजिद साहब देखिए, पहले यहाँ पे हम एक दूसरे से बुलवाने के लिए माजिद साहब एक बात सही है कि रूल आप माजिद साहब एक बात सही है रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि सरकार जो है एलजी गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, आप देखिए हो क्या रहा है, एक लेडी जो पुलिस में काम करती है उसके घर लोग घुसते हैं और वो एक रीजन और जो इस वीडियो पे जो वहां पर जो वीडियो है जिसके आधार पे उसके खिलाफ पर्चा एफआईआर कटा है और उसको एफआईआर में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 13, जिसका मतलब ये है कि कोई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे
अनलॉफुल एक्टिविटी में इंडल्ज करे, जो सेसेशन की बात करे, और जब अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो वहां पर तो दूर से भी ये मेड आउट ऑफेंस नहीं होता, लेकिन सरकार आप देखिए डिक्टेटरशिप से भी वर्स, इनके लिए जो कोई शब्द हो वो काम पड़ेगा, और सरकार उस महिला को टर्मिनेट करती है और अनलॉफुल लगा देती है। इससे पहले आपने देखा एक बेटे की लाश ढूंढ रहा था कि मुझे लाश दे दीजिए, उसके खिलाफ अनलॉफुल लगा दिया, जेल में डाल दिया। मैं मानता हूँ यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ नहीं है कश्मीर की, एक अलग बात है, लेकिन साथ साथ आप सही कह रहे हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी एक जिम्मेवारी बनती है, केवल ट्वीट करके नहीं, इनको बहुत ही एक एक्टिव रोल वॉइस इंफ्लुएंस रहना पड़ेगा इस पे कि सरकार के खिलाफ वो बोले जहां पर जायज है, क्रिटिसाइज करे रीजनेबली। देखो एक सेकंड, देखिए टाइम, देखिए हर पक्ष डॉक्टर साहब के पास भी आऊंगा, एक सेकंड, टाइम टाइम हुआ जा रहा है, सपोज कंक्लूडिंग रिमार्क्स, देखिए सपोज कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी की फोटो कोविड के वैक्सीन पे लगी हुई है, आप लोगों ने एज ए सोशल एक्टिविस्ट बात उठाई, मोदी जी का क्या रोल है, और अगर कोई मरता है कोविड से उसकी डेथ सर्टिफिकेट पे मोदी जी का फोटो क्यों नहीं है? चलिए डॉक्टर साहब आप पे भी आऊंगा, मेरा साहब अपने मोदी जी लेता है, लेकिन तुम मर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका मिल गया मोदी जी, मैं आपके मोदी जी की बात पे भी आऊंगा। मेरा साहब आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स बताइए, बतौर जो आपने ये एनालिसिस किया, अर्थमेटिकल लॉजिकल कंप्यूटराइज एनालिसिस देखा आपने, आपको क्या लग रहा है हम किस तरफ जा रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुख्तसर से अल्फाज में बताइएगा जी। माजिद साहब लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स शुड नॉट बी डन, वन इज वी शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन कोरोना, सेकंड वी शुड नॉट एट दिस मोमेंट ट्राई टू डू ब्लेम गेम, बिकॉज व्हाट इज कमिंग आवर वे इज हॉरिबल। हम सब भूल जाएंगे, पॉलिटिक्स भी भूल जाएंगे, एलजी को भी भूल जाएंगे, मोदी जी को भी भूल जाएंगे। वी नीड टू हैव सीरियस इंटरवेंशन फ्रॉम बोथ ग्रुप्स, दैट इज एक तो हम जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, जो हमारे इमाम्स है, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स है, उनको भी रोल प्ले करना है, बिजनेस कम्युनिटी को भी रोल प्ले करना है, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना है। वी मे हैव लॉट ऑफ गवर्नेंस इश्यूज, बट दिस टाइम Our focus should be to save lives rather than हम blame game बाद में कर लेंगे, हम बाद में बोलेंगे कौन कहां पे फेल हुआ, लेकिन इस टाइम सबका एफर्ट होना चाहिए कि हम मोबिलाइज हो, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स मोबिलाइज हो, हमारे रिलीजियस बिजनेस लीडर, I am also representing IT, I am also a business leader, but this time the focus should be to save lives. हम इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं जो ऑलरेडी इन डोल्स ड्राम है सिंस लॉट ऑफ इयर्स, हमें लॉकडाउन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लॉकडाउन ने हमें, यू कैन नॉट किल वन पर्सन ट्वाइस, वी आर ऑलरेडी इकोनॉमिकली डेड, एट लीस्ट लेट्स सेव लाइव्स नाउ, एंड लाइव्स हम सिर्फ इस चीज से कर सकते हैं, लेट गवर्नमेंट बी सीरियस, लेट देम इंटरवीन, लॉकडाउन इज इनेविटेबल, लॉकडाउन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लीडर जो भी है उनका रोल बनता है, जर्नलिस्ट का रोल बनता है, बिकॉज इफ वी डोंट इंटरवीन नाउ, गॉड फॉरबिड, आई एम सीइंग अ सिचुएशन मच वर्स देन व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। जी शुक्रिया मेरा साहब। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप तो 50 चीजों की, आप 50 टॉपिक्स पे एट अ टाइम बात करते हैं, अब आप फोकस वापस आ जाइए कृपया करके, जो हम कोविड पे बात कर रहे हैं कि कोविड और माजिद साहब मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियां हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ बोलना, डिफेंड करना, देखो वो आपकी मजबूरी हो सकती है, कुछ तो पर्दादारी है जिसका वो किया जा रहा है, वो छोड़िए मैं उसमें नहीं आऊंगा। मैं आपको एक बात कहूंगा कि जैसे इरफान साहब ने बड़ी वैलिड बात कही कि पॉलिटिकल पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पे बात करना, और मैं उसको सेकंड करूंगा, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसमें मैं आपको भी ये नहीं करूंगा कि हमें नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि इफ्रा ने कहा कि हम लोग बोलते रहे, ट्वीट करते रहे, अंदर घरों में बंद रखा हुआ है, आपको भी पता है, हर किसी को पता है हमारा, जो अभी महराज साहब ने बात कही कि ब्लेम गेम चलती रहेगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन क्या कर रहा है, कहां से कर रहा है, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए हाउ टू सेव आवर सोसाइटी, हम कैसे जम्मू कश्मीर को, खासकर मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, हम इतने बड़े लीडर या सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, हम जम्मू कश्मीर की, पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करूंगा,
कि रात के नाइट कर्फ्यू का कोई वैल्यू नहीं है, जैसे इरफान साहब ने कहा कोविड चेन को तोड़ने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। आज कर्फ्यू है कश्मीर में, मैं निकला, टूरिस्ट मूव कर रहे हैं, पहलगाम से श्रीनगर टूरिस्ट आ रहा है, श्रीनगर से गुलमर्ग टूरिस्ट जा रहा है। आपको मैं अगर चाहोगे तो मैं वीडियोस भी दिखा दूंगा, नेशनल हाईवे की एक्टिविटी भी दिखा रहा हूं। ठीक है, कश्मीरी कुछ घर में बैठे हैं, कुछ डर के लोग घर में बैठे हैं, उससे ये नहीं होगा। जो ये चेन ब्रेक करनी पड़ेगी, इसके लिए एक कैलकुलेटेड चीज, और जो इफ्रा जी ने पहले कहा, हमारे लिए एक डाटा होना चाहिए कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास बेड्स कितने हैं, जो हमारे ट्रस्ट हैं उनके पास कितना है। मैं आपको एक वाकया कहूंगा कि सीडी हॉस्पिटल ने एक ट्रस्ट से 4 कंसंट्रेटर लेने से इनकार कर दिया 6 महीने पहले, क्योंकि आप लोगों के हम ट्रस्ट के नहीं ले सकते। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे वाले वक्त में गवर्नमेंट से, इन लोगों से जो हमारे डिक्टेटर यहाँ बैठे हैं। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट भी आज डिक्टेटर बैठा हुआ है, सीएमओ भी डिक्टेटर बैठा हुआ है। हर मैं एलजी साहब की बात नहीं करूंगा, हमें लोअर लेवल पे भी ऐसा एक सिस्टम हो गया, नहीं जी मुझे नहीं मानना है, मुझे सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं, मुझे एलजी ऑफिस से ऑर्डर आना चाहिए, मैं तो सिर्फ एलजी को मानता हूं, मैं उससे नीचे किसी को नहीं मानता। इरफान साहब भी इलेक्टेड मेंबर है, मैं भी हूं, कल भी मैं डीसी ऑफिस में मीटिंग में था, हमारी काउंसिल की मीटिंग थी, हमें कल कहा गया, मैंने इनको कहा कि हमारा 70 लाख का बजट है, हम हेल्थ के लिए देंगे, लेकिन हेल्थ केयर मेरे त्राल में बटनूर में एक हॉस्पिटल है, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर, एक बीयूएमएस डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है, एक प्यान है, क्या उस हॉस्पिटल में मैं कंसंट्रेटर रख सकता हूँ, वहां मैं डायलिसिस मशीन रख सकता हूँ। हमें बहुत इंप्रूवमेंट की हेल्थ सेक्टर में, जैसे इकोनॉमी तो हमारी डूब गई लेकिन अब जान बचे। देखो अगर हम इस वक्त ब्लेम ब्लेम लगाएंगे, मैं माजिद साहब पे लगाऊंगा, माजिद साहब मुझ पे लगाएंगे, मैं इफ्रा जी पे लगाऊंगा, मुझे लगता उससे हम लाइव सेव नहीं कर सकते। हमारा इस वक्त ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए ह्यूमन बींग, एज ए रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग ऑफ जे एंड के, हमें सबको मिलकर इसमें सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी कि आगे हम इस स्प्रेड को, कोविड चेन को कैसे रोक। जी डॉक्टर साहब, ये आपने आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपने इसमें एक खास चीज कही कि आज भी जब कर्फ्यू है कश्मीर में, पूरा कर्फ्यू लगा है, लोगों के लाउड स्पीकर पे बाजार पे अनाउंसमेंट हो रही है कि कोई घर से ना निकले, टूरिस्ट आज भी पहलगाम से गुलमर्ग, गुलमर्ग से श्रीनगर जा रहे हैं। तो मतलब एक मतलब मुझे लगता है इट इज फॉर द टूरिज्म, क्या मामला नहीं मुझे समझ आ रहा है। अब खैर ये मामला, इस पे बात चलती रहेगी। इफ्रा जान आप बताइए, अजहरुन के अलावा, मेरे को टारगेट करने के अलावा, आप क्या जी, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारी सरकार ने जो कहा है आत्मनिर्भर भारत, इसका ये मतलब है कि आप सभी लोग अपना अपना देख लीजिए, आत्मनिर्भर आप लोग हैं, आप सरकार से कोई कुछ नहीं कह सकता है। सभी लोगों ने कहा कि इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आज इस चीज को आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं एक ही चीज होती है जो लेसन नहीं सीखती है इतनी बड़ी चीज से, सुगो गुपुन। अगर आप आज भी इतने बड़े हेल्थ केयर डूबने से लेसन नहीं सीखे हैं, पॉलिटिकल लेसन नहीं सीखे, तो आप गुपन हैं और हम भी गुपन हैं, माफ कीजिएगा। फिर सरकार हमको जैसे ट्रीट करती है बहुत अच्छी करती है। आप गुपन लफ्ज कह रही है, गुपन लफ्ज उर्दू समझने वाले नहीं जानेंगे, मतलब मवेशी आप कह रही है, मतलब आप कह रही है, देखिए हु डज नॉट लर्न अ लेसन, बैल हो भाई, आप तो बैल हो। देखिए आज हमारा सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, आज हमारे गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस एक्सपोज हो चुकी है। इस गवर्नमेंट को आप सभी लोग कह रहे हैं आप इसे चुप करो चुप करो, इसकी बात मत करियो, भाई हम गुपन नहीं है, हम बैल मवेशी नहीं है, हम तो लेसन सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, एट दिस पॉइंट में सरकार से विनती 2-3 चीजें करती हूँ। पहले जो आप लोगों ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में कहा है कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, उन बच्चों को खुदारा बख्श लीजिए, एग्जाम देने के लिए उनकी जान मत ले लीजिए। ये जो कोविड का नया स्ट्रेन है ये बच्चों को भी और यंग लोगों को भी इफेक्ट करता है, प्लीज कैंसिल ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरी बात, इन टीचर्स को भी बख्श लीजिए, इन टीचर्स को जो है 100% अटेंडेंस, फिजिकल अटेंडेंस नहीं देनी चाहिए, अपने अपने घरों में रहने चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, जिनके लिए कब से हमें पैसे नहीं आए, तनख्वाह नहीं आई है, वो आज मजदूरी पे भी नहीं जा सकते हैं बिकॉज लॉकडाउन है, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए। और हम टीम SOS है, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको वैक्सीनेशन आप लोगों के लिए कराना जरूरी है, जैसा मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत, अपना अपना देख लो, वैक्सीन करा लो, इस सरकार को नहीं पड़ी है, इसलिए आप अपने बचा लीजिए। मास्क पहनना जरूरी है, और ओपन जगह पे, यानी अगर आपको किसी से, रिश्तेदारों से, किसी से जरूरी मिलना भी है, घर के अंदर नहीं जाइए, गार्डन में आराम से मिल लीजिए, और डिस्टेंस बनाइए रखिए। और सबसे ज्यादा मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज, अगर आपको कोविड हुआ है और आप कोविड से ठीक हो गए हैं, तो प्लीज प्लीज प्लाज्मा डोनेट जरूर कीजिए।
हमारे पास टीम SOS में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है प्लाज्मा की, लेकिन हमारे पास प्लाज्मा डोनर्स नहीं है। प्लीज प्लाज्मा डोनेट कर दीजिए। आप आम लोगों को बताइए ना, टीम SOS हो क्या, आम इंसान को क्या पता है टीम SOS जी जी। देखिए क्योंकि हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने दिल्ली में हालत देखी, महाराष्ट्र में हालत देखी, हम एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैं, ये कम्प्लीटली एपॉलिटिकल ग्रुप है, हम वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बन गए और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरीफाइड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेटर्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स कितने हैं, तो ये सारा डेटा, प्लाज्मा के डोनर्स कौन कौन है, ये सारा डेटा हम जमा करते हैं। जो कैसे किया जाए, इस टीम को आप अप्रोच जी करना है। इस टीम को अनफॉर्चुनेटली अभी आप सिर्फ ट्विटर पे अप्रोच कर सकते हैं। आप #JKSOS लिख दीजिए और हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, या आप जो है मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इफ्रा जान पे। तो अभी हम ट्विटर पे एक्टिव हैं और धीरे धीरे हम अपने फोन नंबर भी एक हेल्प डेस्क, आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे भी हूँ इफ्रा जी, फेसबुक पे भी हूँ IFRAJAN और ट्विटर पे भी हूँ IFRAJAN। आप टीम SOS को भी वहां पे ढूंढ सकते हैं। स्लोली हम फोन नंबर्स भी एक प्रॉपर हेल्प डेस्क स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम फोन नंबर्स भी लिखेंगे। अगर आपका कोई भी है, कोई भी आपको इशू है रिलेटेड टू कोविड, आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं मिल रहे, आपको ऑक्सीमीटर की जरूरत है, आपको नहीं पता वो कहाँ से लाएंगे, वो सभी डेटा जो है हम आपको इमिडिएटली सेंड करेंगे। एट द सेम टाइम हमको जरूरत है, अगर आपको पता है कोई ऑक्सीजन रिटेलर है आपके इलाके में या कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है आपके इलाके में, आप प्लीज वो इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को सेंड कर दीजिए, हम उसको अपनी डेटाबेस में अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया इफ्राजान। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पॉलिटिकल इसमें कोई ये नहीं होंगे, कार्डर्स नहीं होंगे साथ में आपके इस JKSOS में। अच्छा इनिशिएटिव है, इसको पॉलिटिक्स से अलहदा रखिएगा। इरफान हफीज साहब, वक्त बहुत कम है, जरा मुख्तसर से अल्फाज में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स बताइए कि सरकार किस पहलू ले जा रही है कश्मीर को। जी मैं यही माजिद साहब समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने बात करी, महराज साहब ने, इफ्राजी ने, तो कंसेंसस है आई बिलीव कि वी ऑल आर ऑन सेम पेज कि जो लोगों की लाइव्स है वो सबसे ज्यादा प्रेशियस है और ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है, और हमें हर कोई कदम उठाना, और हमें इसमें पॉलिटिकिंग में नहीं, इस पे पॉलिटिकिंग नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप के इंटेंशंस बोनाफाइड इंटेंशंस है और जो लेजिटिमेट और जायज सवालात है जिनका मुद्दा व मकसद है कि अकाउंटेबिलिटी हो और इस कोविड से हमें नजात मिले, तो मुझे लगता है वो चीज आप रेज कर सकते हैं, दैट डजंट अमाउंट टू पॉलिटिकिंग। और उसके साथ साथ मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सब लोगों को चाहिए कि सरकार पे कम निर्भर रहे, क्योंकि आपने देखा एक और कोरोना पीक पे था लाखों में, और कोई आम लोग नहीं, भारत के गृह मंत्री जाते थे और लाखों लोगों को खिताब करते थे, जबकि वो जायज नहीं था, परमिसेबल नहीं था। तो ऐसे हालातों में जब आपने खुद भी कहा ट्यूलिप गार्डन, बादाम बारी, फैशन इवेंट, क्या कुछ नहीं हुआ, गुलमर्ग में जब लॉकडाउन से पहले आपने देखा कैसे वहां, जैसे डॉक्टर साहब ने सही कहा, कैसे 1000 से ज्यादा लोगों को वहां लाया गया। तो मुझे लगता है ऐसे हालातों में लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये एक वबा है, इसे सीरियसली लेना चाहिए, जो भी मुमकिन प्रिकॉशंस है हमें वो अपनी लेवल पे लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि हम इस मुसीबत से, इस बीमारी से बाहर निकले। जी बहुत खूब, आपने जो आखिर में कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी। देखिए नाज़रीन, आज की डिबेट से जो आम जो रेजोल्यूशन एक किस्म का है वो ये था कि सरकार को भी सीरियस होना होगा लोगों की तरफ, वो एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच छोड़ना होगा और लोगों को भी सीरियस हो रहा होगा इस बीमारी को लड़ने के लिए। वो हमारे सोशल ग्रुप्स हों, पोलिटिकल ग्रुप्स हों, रिलीजियस ग्रुप्स हों, मोहल्ला कमिटीज हों, मस्जिद कमिटीज हों, सबको मिल के काम करना होगा अपनी अपनी सतह पे, तब हम इसको लड़ पाएंगे। अगर हम सरकार पे छोड़े तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बात हम टूरिज्म की कर रहे थे तो उसी पे मैं कंक्लूड करूंगा कि टूरिज्म पिछले साल खेलो इंडिया किया गवर्नमेंट ने यहाँ कोविड के होने के बाद, और क्या हुआ कि टंगमर्ग गुलमर्ग के इलाकों में कोविड सबसे ज्यादा फैला और कोविड सब जगह आया। इस साल भी वही हुआ, खेलो इंडिया हुआ, टूरिज्म हुआ। भाई अगर सरकार को या हमारे बड़े होटेलियर्स को इतना शौक है यहाँ कहने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का कि नहीं जी कोविड के बावजूद टूरिज्म होना चाहिए, तो आप वो प्रोटोकॉल यहाँ पे लाइए ना जो दुबई में आज है। दुबई में आज भी टूरिज्म चल रहा है,
लेकिन उनका प्रोटोकॉल कश्मीर जैसा नहीं है कि कश्मीर में एयरपोर्ट पे टूरिस्ट लैंड करेगा, उसका टेस्ट वहां होगा और दूसरे दिन उसको रिपोर्ट तब मिलेगी जब वो गुलमर्ग किया होगा। वैसे तरीके के प्रोटोकॉल नहीं चलते जब अपनी टूरिज्म प्रमोट करना हो। सरकार को भी थोड़ा सोचना होगा कि कश्मीर के जो लोग हैं, एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, कश्मीर के लोगों का भी हक बनता है बात करने का और सरकार का फर्ज बनता है उनकी बात सुनने का। और नाजीन आपसे एक अपील है, इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, अक्सर लोग फेसबुक पे अपनी इफ्तार की फोटोज, खाने पीने की फोटोज इस पे अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो डालते हैं। हर एक शख्स आपके जैसा खुशकिस्मत नहीं है कि उसे इस तरीके का खाना मिले। लोगों को पानी के घूंट से इफ्तार करना पड़ता है, शायद खजूर भी नहीं मिलता है, खाली पानी से इफ्तार करना पड़ता है, सूखी रोटी से इफ्तार करना पड़ता है। थोड़ी सी अपने आप में तरमीम लाएं हम भी। आज की डिबेट के लिए इंशाल्लाह इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।